तो अच्छा बुरा संसार में कुछ नहीं है, सुंदर और कुरूप भी कुछ नहीं है, धनी और निर्धन भी नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि ये सापेक्ष है। क्यों सापेक्ष? जैसे मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति के पास 10,000 सैलरी है, अब जो वो मिलता है अरबपति से, तो अरबपति उसको कैसे देखता है? निर्धन कहीं का, निर्धन, धन है नहीं, धन तो है उसके पास, पर क्या सोचता है? निर्धन। और वो देख तो कितना पैसा वाला है, और एक दिन भिखारी 10,000 वाले से क्या बोलता है? दे दे भाई। अब वो देता है, वो व्यक्ति बोलता बेचारा गरीब आदमी है, 10,000 सैलरी वाला उसको दे देता है, 1 रुपये दे देता है कम से कम, तो कौन हुआ निर्धन? कोई भी नहीं निर्धन देखा जाता, ये सापेक्षता था बस। कभी कभी देखते हैं कई भिखारी दूसरे भिखारी को देते हैं, ऐसे भी देखा गया, भिखारी को खिलाते पिलाते। तो इस प्रकार से भिखारी कोई नहीं है, गरीब कोई नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई बोलता है कि ये निर्धन है, ये गरीब है, बोलते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं गरीब कौन है? तो बोलते हैं जिसको पैसे की जरूरत है। बोलते हैं करोड़पति को भी पैसे की जरूरत है? नहीं, तो क्यों काम कर रहा हो? बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि 800 वर्षों तक 8 गुना जनसंख्या को पूरे विश्व में 7.35 बिलियन कुछ है, इतनी जनसंख्या को वो खिला सकता है, फिर भी काम पे जाता है। क्यों जाता है? मतलब उसको पैसे की ज़रूरत है, वो भी भिखारी। इसका मतलब भिखारी कौन है जिसको पैसे की ज़रूरत है? तो बिल गेट्स भी भिखारी है, सब भिखारी हैं। अब इस्कॉन वाले बड़े भिखारी हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं, इसलिए सबसे मांग लेते हैं इसीलिए। तो ये अच्छा, इसका दोनों टूटता कैसे, ये टूटता कैसे, इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ये द्वैत का, संसार में भौतिक अच्छा बुरा जो है उसका कारण क्या है? इसका कारण जो है वो है समय। जितने समय तक उसका समय का प्रभाव हम पर पड़ता है, तब तक हम बोलते हैं दुख है, अब तब तक बोलते हैं सुख है। देखिए जैसे बताता हूँ, अभी कई लोग को गर्मी का मौसम पसंद है तो बड़ा खुश होते हैं, गर्मी आ गया अच्छा हो, और गर्मी जब पीक पाती क्या बोलती है? ठंडी ठीक था, ठीक, और ठंडी आती तो क्या बोलते हैं? गर्मी ठीक था। तो समय का प्रभाव पड़ा ना, समय की वजह से आपको अच्छा बुरा लग रहा है, नहीं? और सुंदर और कुरूप भी मैंने बता दिया, कुरूपता जो है वो भी सापेक्ष है। कुरूपता जो सापेक्ष क्यों है? क्योंकि उसको भी कोई पसंद करता होगा, कुरूप व्यक्ति को भी है ना। और धनी तथा निर्धन बताई दिया मैंने, तो इसके लिए समय के प्रभाव के कारण ही विलय हो जाता है। कुरूपता, कोई व्यक्ति कुरूप है, 100 साल के बाद कुरूप हो सकता नहीं रहे, समय का प्रभाव पड़ेगा, समय चेंज, अगला जन्म पता चला अच्छा पुण्य काम किया है, और क्या होता है, सुचि नाम श्रीमताम गे, अच्छे घर में पैदा हो गया तो क्या बन जाएगा? सुंदर व्यक्ति। तो समय के साथ खत्म। धन निर्धन हो जाए, धन हो जाए, धनी हो जाएगा। जैसे दो भाई थे, दोनों भाई ने भगवान से मांगा, एक ने कहा भगवान मुझे अगला जीवन ऐसे देना कि मैं सबको बस पैसा बांटूं बस। दूसरा व्यक्ति बोलता भगवान मुझे ऐसा करना ना, मैं किसी कुछ दूं नहीं, सिर्फ लेता रहूं। लगा पैसे पैसा आएगा मेरे पास, सब लेते ही रहूंगा, कुछ देने नहीं पड़ेगा, तो संसार का सबसे बड़ा धनी होगा। पर किससे मांग रहे थे लोग? भगवान बुद्धू नहीं है। भगवान ने जिसने कहा कि मुझे देते रहूं, उसको बोला इसको भाई इसकी झोली भरनी पड़ेगी, इसको बना दो करोड़पति अरबपति, देता रहेगा। और उस दूसरे को जो बोलता कि मुझे मिलता है, उसको बनाती भिखारी, भिखारी को सिर्फ मिलता रहता है, देता किसी को नहीं देता, भिखारी सिर्फ उसको मिलता रहता है। तो देखिए भगवान से मांग रहे थे। तो ये समय के साथ परिवर्तन हो जाता, गरीबी अरिमी अच्छा बुरा जो है समय चेंज। जैसा अभी कोरोना समय चल रहा, क्या बोलेंगे लोग? बुरा वक्त है। कोरोना खत्म बोले अच्छा वक्त आ गया, समय के साथ चेंज हो गया वक्त। जैसे समय चेंज हुआ परिस्थिति अलग लगने लगी। हाँ, किसी दिन हम बोलते हैं तबीयत खराब लग रही है, आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, दिन अच्छा बुरा, अब किसी के लिए अच्छा दिन होगा नहीं? कोई आज जेल से छूटा हुआ बोले कितना अच्छा दिन है, किसी का लॉटरी लगी बोले कितना अच्छा दिन, वो दिन वही है ना, लेकिन उसके लिए गलत समय, आपके लिए गलत समय सज कर रहा है। तो समय के अनुसार ये अच्छा बुरा, सुंदरता कुरूपता, धन निर्धन, ये परिवर्तन हो जाता है।